हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, और अप्लाइड मैकेनिक्स में जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अभी जस्ट हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने एल का और टी का पढ़ लिया था और आई का भी पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम जेड का पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें भी आपको सी जी ही फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स का ये चैप्टर चल रहा है, इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर इसके डल चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का जो ये सब्जेक्ट है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जैसे ये सब्जेक्ट कवर हो जाता है दोस्तों, देन आफ्टर हम जो हमारे अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनको भी हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देंगे, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी कोशिश रहेगी कि ये जल्दी से कवर हो जाए और उसके बाद फिर हम आपका जो अदर सब्जेक्ट है उनको स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जल्दी से, ये क्वेश्चन जो है आपका किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको भी हमने मिला दिया, ये मिला दिया, ये हाँ मिला दिया, और ये हमारी होगी वाई एक्सिस, और इसको दिखा दिया ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिर से आपको वही करना है, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, ठीक है। तो इसका सी जी यहाँ पे, इसका सी जी यहाँ पे, इसका सी जी यहाँ पे। सबसे पहले ए वन निकालिए, तो 6 × 2 यानी कि 12 cm², ए टू यानी कि इसकी लंबाई चाहिए हमें ये वाली, यहाँ से यहाँ ये पूरी, ठीक है। तो ये पूरी 8 है, अगर हमें ये चाहिए तो कहाँ से मिलेगी ये वाली, तो ये यहाँ से यहाँ तक घटाइए, कितना दिए 2 दिया है, ठीक है। तो ये 6 cm आ जाएगी, तो 6, और थिकनेस इसकी जो है ये आप 2 cm मान लीजिए, नहीं दिए तो 2 मान लीजिए, 6 × 12 cm² हो जाएगी। ए थ्री निकालना है ऊपर वाले का, तो 6 × 2 ये 12 cm, तो ये भी सेम आ गए। इसके बाद x1 x2 x3 निकाल लीजिए, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 यानी y एक्स से दूरी, x1, ठीक है। आपके a1 a2 और a3 की वैल्यू आ गई, अब आपको निकालनी है दोस्तों x1 x2 और x3 की वैल्यू, ठीक है। तो x1 क्या होता है, जो आपका कह सकते हैं पहला जो सेक्शन है उसका जो सी जी है ये वाला, वो x अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है ना, तो y अक्ष से दूरी ये वाली हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। गलती से भी यहाँ से यहाँ तक मत ले लेना, टोटल लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, समझ गए। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की आपको लेनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये तो हो जाएगी 6 के हिसाब से 3, ये आपकी 3 हो गई, कितने हो गई 3। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और चाहिए है ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की पता है कितनी है 6, और 6 में से अगर ये थिकनेस घटा दें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस घटा दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 है, तो 6 से 2 गया तो बचा 4, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 4, तो 4 और ये 3 7 हो गया, 7 cm, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं x2, तो x2 ये हो गया ये वाला सी जी, अब ये दूरी चाहिए यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कैसे निकलेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस पता है 6, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, अगर हम ये वाली डिस्टेंस घटा दें इतनी, यानी कि ये घटा देंगे अगर इतनी, तो हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी टोटल, यानी कि 6 है, और अगर उससे इतनी घटा दी जाए तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, तो ये 2 है, उसके हिसाब से हमें 1 घटानी पड़ेगी, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक की, 6 से गया 5, तो 5 cm आ जाएगी। x3 ये है, और इसकी डिस्टेंस हमें यहाँ से ये लेनी है, तो ये 6 हो जाएगी 3 cm, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं y1 y2 और y3 की, ये कितने होंगे। तो y1 यानी पहला सेक्शन का जो सी जी है वो x अक्ष से कितना दूर है, यानी ये वाली, तो 2 के हिसाब से ये हो जाएगा 1 cm। y2 यानी सी जी ये हो गया y2 का, और ये अब जो है यहाँ x अक्ष से कितना दूरी पे है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। देखिए फिगर बार बार बहुत गंदा हो जा रहा है ना, समझाते टाइम ये काफ़ी गंदा हो जाता, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक, वो हमें 6 दी है, तो उसके हिसाब से यहाँ तक की जो यहाँ तक है 3, और उसमें अगर हम ये 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये हमारी 5 cm आ जाएगी। अब हम बात करें अगर y3 की, तो y3 हमारा ये रहा, और इसकी डिस्टेंस हमें लेनी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस टोटल लेनी है यहाँ तक, है ना। तो ये कैसे आएगी, तो हमें टोटल डिस्टेंस अगर मिल जाए, या हम कह सकते हैं कि हमें क्या हो जाए, देखिए ये डिस्टेंस कैसे आएगी मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है 6 है ना, और उसमें 2 जोड़ दिया तो 8 हो गई,
यानी कि इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक की 8 दूरी आपको मिल चुकी है। अगर उसमें आपको इतनी डिस्टेंस और मिल जाए, इतनी डिस्टेंस, ठीक है, तो आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा 2। ये थी, उसमें हमने 6 और ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक तो 8, और ये कितनी होगी इसके हिसाब से, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, यानी 8 और 1 9 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से जेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है, जो जेड सेक्शन रहेगा, ठीक है। एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा A1, कितना आ जाएगा A1, तो A1 कितना है 12, A1 X1, X1 कितना है 7, प्लस A2 कितना है 12, सभी के सभी 12 ही आए हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस 12 गुणे 3, ठीक है, और यहाँ पे आप A1 बटे तो 12 तीस 36, ये आ जाएगा इसका आंसर। और वाई बार करने के लिए A1 तो 12 और Y1 कितना 1, फिर से 12 गुणे 5, फिर से 12 गुणे 9 और बटे फिर से 36, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान यहाँ पे देना, जो फर्स्ट सेक्शन का एक्स बार निकाल लें आप, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ना ले लेना कभी भी, वरना मिस्टेक हो जाएगा, आपको हमेशा यहाँ तक लेना है, ठीक है। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं दोस्तों जल्दी से। तो कितना है 12 गुणे 7 प्लस 12 गुणे 5 प्लस 12 गुणे 3, ठीक है, और डिवाइड करना है 36 से, तो ये 36 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 5, कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से नीचे करना है 12 प्लस 60, ठीक है, और प्लस 12, ठीक है, 9 और डिवाइडेड बाई 36, तो ये भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर हैं, तो इसके हिसाब से ये कहाँ होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अब हमको दिखाना है ये एक्स बार है, ये वाई बार है ना। तो एक्स बार इन द सेंस कि ये वाई एक्स से कितना दूर है, तो 6 दूरी पर है, यानी कि ये पूरा 6 था, सॉरी 5 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक 6 था, तो ये तो हो गया 3, ये 3 हो गया, 4 यहाँ पे होगा कहीं पे, इसके बाद 5 यहाँ पे होगा कहीं पे, है ना, इस पॉइंट पे 5 होगा कहीं पे, तो यहाँ तक तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, और नीचे से भी 5 लेना है, तो 3 और 2 5। देखिए दूसरा सेक्शन जो है ना, उसका जो सीजी है उस पे इसका सीजी जो रहेगा टोटल लाई करेगा, टोटल लाई करेगा, देखना कैसे मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे ये होगा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से आपका कुछ सेप बन रहा था, है ना, इस तरीके से कुछ सेप आपका बन रहा था, ठीक है। चलिए अब आपको दोस्तों यहाँ से ये दूरी लेनी थी ये वाली, और यहाँ से लेनी थी ये वाली, तो यहाँ से ये जो दूरी है यहाँ तक की वो 5 ली है हमने, और यहाँ से यहाँ तक की 5 ली है, ठीक है, देखना कैसे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है, ये दूसरा जो सेक्शन है उसकी जो लंबाई थी वो 6 थी, तो उसकी आधी कितनी होगी 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की 3 और 2 ये तो 5, तो इसीलिए ये 5 हो गई, और फिर ये टोटल जो तीसरे सेक्शन की लंबाई थी वो 6 थी, तीसरा जो सेक्शन है, एक सेकंड, तीसरा जो सेक्शन है उसकी लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से 3 तो ये हो जाएगी यहाँ तक, या हम ऐसा कह सकते हैं टोटल 6 थी, और उससे अगर थोड़ी सी हम घटाएं ये वाली एक सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 की नहीं आ जाएगी, तो वही हमने 5 यहाँ पे ले ली है, तो यहाँ पे दूसरा सेक्शन का जो सीजी है उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जेड सेक्शन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, आई होप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। और आप जेड के क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दिया एक क्वेश्चन, ठीक है, आप कहीं डाउट हो तो बताना। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सिमेट्रिक सेक्शन होता है उस सिमेट्रिक सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक क्वेश्चन सेक्शन जो होता है पहले वो समझेंगे, फिर उसका हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आपका जो भी सेक्शन सिमेट्रिक रहेगा उसका बहुत बहुत कम टाइम में जो है सॉल्यूशन आपका हो जाया करेगा, अगर आपको सिमेट्रिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।